स्विजी फूड, मैं हूँ मनीषा ठक्कर। आज हम देखेंगे कि घर पे खारी सिंग किस तरह से बनानी है। जैसे मार्केट में खारी सिंग मिलते हैं, वैसे ही घर पे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए उसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। खारी सिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 150 से 200 ग्राम मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली है, आप चाहे तो रेगुलर या ऑर्गेनिक कोई भी ले सकते हैं। अब एक पतीली में मैंने 2 ग्लास जितना पानी गर्म करने के लिए रखा है। पानी को हमें हल्का गुनगुना गर्म करना है, इस तरह से दाने दाने जैसा आए तब गैस बंद करके इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दे। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और कच्ची मूंगफली के दाने इसमें ऐड करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन रख दे और 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दे। 15 मिनट बाद आप देखोगे तो मूंगफली इस तरह से फूलकर रेडी हो चुकी होगी। अब जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसे स्ट्रेनर में 5 से 10 मिनट रहने दे। अब इसे एक बॉल में ले लेना है और इसके ऊपर हम नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करें, मैंने 1/2 टीस्पून जितना ऐड किया है। ढक्कन लगा दे और आधा घंटा इसे रहने दे। एक थिक कढ़ाई में थोड़ा सा नमक लेके उसे गर्म करने के लिए रख दे। मैंने 1 कप जितना नमक लिया है। नमक को एकदम हमें गर्म करना है। आपने पहले नमक बेकिंग में यूज किया हो तो वो नमक आप इसमें डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने फ्रेश लिया है। नमक को आप छू के चेक कर ले, वो एकदम गर्म हो जाना चाहिए। अब इसमें हम मूंगफली ऐड कर देंगे जो हमने नमक में मैरिनेट करके रखी थी। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखें और जैसे ही आप इसमें मूंगफली ऐड करोगे तो सारा नमक उसके ऊपर चिपक जाता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे रोस्ट करोगे मूंगफली के ऊपर से नमक धीरे धीरे अलग होता जाएगा। आपको इसे कांस्टेंट चलाते रहना है ताकि मूंगफली ऊपर नीचे हो जाए और अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तीन से चार मिनट के बाद एक मूंगफली लेके चेक करेंगे, ये अभी भी सॉफ्ट है तो 1-2 मिनट इसे और रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होने लगा है। एक मूंगफली लेके उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। आप देख सकते हैं कई मूंगफली के छिलके अलग होने लगे हैं, मतलब कि ये रोस्ट हो चुका है। ठंडी मूंगफली को इस तरह से चेक करें, उसका छिलका इजीली निकल जाना चाहिए। तो मूंगफली रोस्ट होके रेडी है, गैस बंद कर देंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी अभी सॉफ्ट है तो इसी कढ़ाई में 1 मिनट रहने दे। अब इसका नमक छान लेना है तो एक थाली ले ले, और मैंने एक छन्नी ली है जो गेहूं छानने के लिए यूज करते हैं, नहीं है तो स्ट्रेनर भी ले सकते हैं। मूंगफली को इस तरह से हम छान लेंगे, नमक अलग हो चुका है, इसे एक थाली में ले लेंगे। सारी मूंगफली को मैंने एक प्लेट में ले लिया है और ठंडी होने के बाद इसका छिलका इजीली निकल जाता है। अब हमारी खारी सिंग सर्विंग के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है, तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।